Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Jewelry College, University of Allahabad. And in previous video, we have discussed over goals of universalization of education. In continuation of it, this time I am going to discuss a very important body, DIET, District Institute for Education and Training. ओके तो डाइट बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जानते हैं इसके बारे में, सुना होता है कि वो डाइट में काम कर रहे हैं या ये डाइट का काम है, लेकिन इसके बहुत ये बहुत मतलब एक तरीके से समझिए कि बहुत चीज़ों से, बहुत स्तरों पर शिक्षा के लेवल से जुड़ा हुआ है ये, और बहुत कुछ इसमें जानने के लिए है और आपके कोर्स में भी है और इन जनरल भी हमको पता होना चाहिए. तो चूंकि इस पर मैटर बहुत ज़्यादा था, इसलिए इस पर के मैटर को मुझे दो भागों में बांटना पड़ा, तो दो वीडियो में कवर होगा डाइट. इसमें हम केवल बात करेंगे बैकग्राउंड, और जब RTE आया उसके कंटेक्स्ट में डाइट कैसे चेंज हुआ, क्या उसके रोल में चेंज हुआ या उसकी फिलॉसफी क्या है रही, और क्या विजन है, क्या ध्यान में रखते हुए डाइट की स्थापना की गई है. ओके सो डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट माय फ्यूचर वीडियोस ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड इट मस्ट बी यूजफुल. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की मतलब कि बहुत सारे कमीशन्स ने ये देखा, अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो देखा शिक्षकों का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उच्च गुणवत्ता के शिक्षक होंगे तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से ट्रांसमिट करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करेंगे और हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे स्टूडेंट के रूप में. तो ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स है उस पर बहुत से कमीशन्स ने बात की है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस द 1960s. 1960 से ये बात की चलती चली आ रही है, जैसे कि कोठारी कमीशन ने कहा. अब तक मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सा कमीशन कब आया, उसने कब अपनी रिपोर्ट दी है. तो कोठारी कमीशन 1964 में गठित हुआ, 66 में इसने अपनी रिपोर्ट दी. द अर्लीएस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन एजुकेशन एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर टीचर एजुकेशन टू बी ब्रॉट इनटू मेनस्ट्रीम एकेडमिक लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑन द वन हैंड एंड ऑफ स्कूल लाइफ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑन द अदर. वो कह रहे हैं कि जो कोठारी कमीशन है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले की गठित की हुई नीतियां हैं जिन्होंने शिक्षा पर बल दिया, शिक्षक शिक्षा पर बल दिया, शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर एम्फसाइज किया. इन्होंने कहा कि टीचर एजुकेशन को हमको मेन स्ट्रीम एकेडमिक लाइफ ऑफ यूनिवर्सिटीज में लेके आइए और उसको स्कूल लाइफ और एजुकेशनल डेवलपमेंट से भी जोड़िए. फिर चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट आई है 1983 में गठित हुई, 85 में इसने अपनी सबमिट किया अपनी रिपोर्ट. ये कहती है कि टू इनेबल जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन टू बी परस्यूड कॉन्करेंटली. वो कह रहे हैं कि जनरल और प्रोफेशनल एजुकेशन साथ साथ चलना चाहिए. फिर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई है, ये इसने क्या कहा कि इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर्स इज कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन. वो कह रहे हैं कि अगर शैक्षिक पुनर्निर्माण हमको करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शिक्षक है उसका स्तर और उसकी जो प्रोफेशनल दक्षता है उसमें सुधार होना चाहिए. यही एकदम मेन कॉर्नर स्टोन है अगर हम शैक्षिक पुनर्गठन चाहते हैं तो, मतलब कि ये ज़रूरी है. देन इट एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस एंड नीड फॉर अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉर द प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स. ये कह रही है कमिटी, आपकी कमीशन NPE, कि अगर हम चाहते हैं कि हम उच्च गुणवत्ता के एकदम प्रोफेशनल टीचर्स बनाएं तो हमको इस सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, यानी कि हर छोटे छोटे लेवल पे आपको पावर देनी होगी. This policy was put in place proactively by the central government in the 8th plan with the establishment of DIET. तो कहाँ से ये मैंने मतलब कहाँ से लिया है कि DIET की स्थापना के पीछे क्या कुछ नीतियाँ रही हैं. तो कोठारी कमीशन ने कहा, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट ने कहा, फिर NPE भी कह रही है कि आप टीचर्स का डेवलपमेंट कीजिए. और जो खास बात है जानने की वो क्या, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्योंकि आपको पता है ये किस स्तर की संस्था है, जिला स्तर की संस्था है. तो 8वें प्लान में इसको स्थापना की इसकी बात की गई और फिर ये स्थापित हुआ. तो डाइट का
फुल फॉर्म आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, IASEs क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, CTEs क्या है, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, थ्रू दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि एक केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्कीम चलाई गई जिसका की हेडिंग थी रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा को हम पुनः उसका संरचना बनाएंगे, पुनः उसको संगठन बनाएंगे, तो उसके तहत डायट की स्थापना की गई है। सिंस द 1990s फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ BRCs एंड CRCs। और जैसे जैसे 1990 के हम आसपास पहुंचते हैं तो और डिसेंट्रलाइज किया जाता है सिस्टम को, और छोटे स्तर पर जाते हैं और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की भी स्थापना की जाती है। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ओके, अब आता है इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हमको कहां से मिला, कोठारी कमीशन, चट्टोपाध्याय कमेटी और फाइनली NPE। तो पर्सुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ NPE ऑन टीचर एजुकेशन, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन वाज अप्रूव्ड इन अक्टूबर 1987। 1986 में NPE आती है और 1987 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई जाती है शिक्षक शिक्षा के रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। वन ऑफ द फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्कीम वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट, और इसी के तहत डाइट की स्थापना की जाती है। तो डाइट की स्थापना कब की जाती है, दी डाइट District Institutes of Education and Training were envisioned in the National Policy of Education 1986, मतलब National Policy of Education 1986 ने ये विजन लिया, ये देखा, ये दूरदृष्टि की कि डायट की स्थापना होनी चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD की अर्ली 1990s में यानी कि 1989 में इसको बना देती है। किस लिए, टू स्ट्रेंथन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, और सपोर्ट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिला स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है उसका हम विकेंद्रीकरण कर दें, उसको सपोर्ट करें। और ये बार बार वही बात निकल के आ रही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस सजेस्टेड इन द पिंक बुक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1989 में अपनी एक पिंक बुक निकालती है जिसमें कि वो कहती है कि डायट की स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है, क्योंकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, और हम टीचर एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं, एलिमेंट्री लेवल का टीचर सुधारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या हुआ कि द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स, मेनली एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, कहीं कहीं सेकेंडरी टीचर्स तक भी ये एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। थ्रू कैसे कराएगा, प्रशिक्षण देगा, क्रियात्मक अनुसंधान होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि प्री और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। बार बार डायट जब आप पढ़ेंगे तो नाम आएगा प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। प्री सर्विस मतलब कि सेवा में जाने से पूर्व आपका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इन सर्विस मतलब आप सेवारत हैं और आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द स्कीम हैज इंटर एरिया द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स फॉर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट या UTs। UTs क्या, यूनियन टेरिटरी। तो वो कह रहे हैं कि राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, क्षेत्रों को सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ताकि आप डायट बना लें, और क्या बना लें, CTEs बना लें, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन बना लें, जिसमें से कि 50 को आप IASE के रूप में डेवलप कर लीजिए। IASE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। और क्या कर लीजिए आप, SCERT को स्ट्रेंथन कर लीजिए। देखिए, नेशनल लेवल पे NCERT हमको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देती है, लेकिन हर राज्य को अपने लोकल कंडीशन, अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से उसको फॉलो करना होता है। तो उसके लिए SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बहुत सारे एब्रीविएशन हैं इस पेपर में और ये सब पढ़ने में, तो आपको सब पहले तो ये पता हो कि डायट का फुल फॉर्म क्या है, CTE का फुल फॉर्म क्या है, IASE का फुल फॉर्म क्या है, आपका BRC का फुल फॉर्म क्या है, CRC का फुल फॉर्म क्या है, SCERT का फुल फॉर्म क्या है, NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो पढ़िए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद कभी-कभी रुक जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो अब तक समझ में आ गया होगा फिर भी क्यों बनाया गया,
diet key, the objective of establishing a diet in each district under the centrally sponsored scheme was to improve the quality of elementary teacher education, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक इन्वॉल्व है पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शिक्षण में, उसकी हम गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधारेंगे? इनोवेटिव प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, उसको हम सेवा में जाने से पूर्व और जब वो सेवा रहत रहेगा तब भी उसको शिक्षण और प्रशिक्षण देंगे नवाचार के माध्यम से, मतलब नए नए तरीकों से। और द विजन ऑफ ए डायट एज प्लान्ड अंडर द स्कीम इज टू रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइज द एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन टू मेक इट more responsive and to realize the goal of universalization of elementary education। फिर जाके ये किससे जुड़ गया? UEE से जुड़ गया। तो सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि UEE अचीव करने के लिए आप कह सकते हैं डायट बनाया गया, आप कह सकते हैं कि टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारने के लिए डायट बनाया गया, या आप कह सकते हैं कि हम तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे जब अच्छा शिक्षक अच्छी शिक्षा देगा। फिर by the time of adoption of the NPE, elementary and adult education systems were already too vast to be adequately supported by national and state level agencies alone। मतलब जब NPE 1986 में अपनी संस्तुतियां दे रही थी तो ये पाया गया कि एलिमेंट्री और एडल्ट एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, इतनी विषमता है, इतना उसमें डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिपेंसी है हर जगह में, तो राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की संस्थाएं अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो सोचा गया कि प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू देम इन ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर हैड देयरफॉर बिकम इंपरेटिव। इसलिए ये जरूरी हो गया कि हम उनको केंद्रीकरण कर दें और छोटे स्तर पर जाके उनको इस तरीके का एक संस्था बनाएं जो ज्यादा बेहतर उनको सपोर्ट कर पाए, लोकल नीड को समझ पाए, लोकल रिसोर्स समझ पाए। तो the NPE and POA accordingly envisaged addition of a third district level tier to the support system in the shape of diet। तो NPE ने, अब तक आपको पता हो गया होगा कि POA क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, तो इसने देखा, सोचा कि हमें तीसरे लेवल की संस्था बना दें जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे NCERT है, फिर राज्य स्तर पे SCERT है, अब आप डायट बना दीजिए ताकि आप जिला स्तर पे आप बेहतर तरीके से पास होंगे उन विद्यालयों के, तो आप ज्यादा बेहतर मतलब कर पाएंगे अपना काम। ठीक है, फिर RTE एंड डायट। जब RTE आ गया तो क्या हुआ, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया और वो 2010 में थोड़ा सा आई इन्फेक्शन हो गया है और वो अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, तो क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो राइट टू एजुकेशन डायरेक्ट्स द स्टेट द नीड टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्कूल्स थ्रू एडिक्वेट एंड चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम एंड स्कूल प्रैक्टिसेस। तो RTE ने कहा, राज्यों को निर्देशित किया कि आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप बेहतर उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्यालय बना सकें, उनमें पर्याप्त और मतलब बालक फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वैसा करिकुलम हो, वैसा पढ़ाया जाए, तो क्या होगा, तो हमको और बढ़िया टीचर चाहिए, और व्यवस्था बढ़िया चाहिए। तो अचीविंग दी RTE रिक्वायर्स अर्जेंट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग गुड टीचर्स, आ गया निकल के कि हमको और जरूरी हो गया कि हम बहुत अच्छे शिक्षक विकसित कर सकें जो बहुत अच्छा पढ़ाएं। तो SSA, अब SSA पे भी बात आपसे करनी है कि द सर्व शिक्षा अभियान एज द व्हीकल फॉर द RTE प्लेसेस द ओनर्स ऑफ स्कूल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द BRCs एंड CRCs एंड द स्टेट टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग डायट्स, establish new ones and fill up the vacant post। ये कौन कह रहा है, बोर्ड या कमेटी रिपोर्ट कह रही है अप्रैल 2010 में। फिर कॉमन सेंस की बात कि अगर हम भूल जाएं बोर्ड या कमेटी रिपोर्ट कब आई है, तो आपको पता होना चाहिए आई किस लिए। आई इसलिए कि जब RTE आ गया तब सोचा गया कि जो एग्जिस्टिंग डायट है, जो सब कुछ चल रहा है, उसको हम और स्ट्रेंथन करें, और बढ़िया करें। तो RTE एक्ट 2009 में आया है, 2010 से लागू हुआ है, तो बोर्ड या कमेटी रिपोर्ट 2010 से पहले की तो नहीं हो सकती, 2010 की ही है। तो ये है डाइट का रोल। देन RMSA एंड डाइट। अब RMSA क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसी तरह से रूसा होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है इस पेपर को पढ़ने के लिए। तो द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रिक्वायर्स डायट्स टू प्ले अ की रोल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन एक्सटेंडिंग देयर मैंडेट फ्रॉम एलिमेंट्री टू सेकेंडरी एजुकेशन। RMSA ने कहा कि डायट क्यों एलिमेंट्री लेवल तक ही स्थिर रहे, वो उच्च मतलब आगे एक्सटेंड कर लीजिए उसको सेकेंडरी एजुकेशन तक, ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन के सुदृढ़ीकरण में भी काम कर सके। तो बोथ SSA एंड RMSA रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। SSA को भी चाहिए, RMSA को भी
चाहिए कि हम जिला स्तर पर ये देख सकें कि शैक्षणिक योजन नियोजन कैसे चल रहा है, मॉनिटरिंग कैसे की जाए. तो डायट्स नीड टू सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज एंड पर्सनल. तो डायट को और स्ट्रेंथन होने की जरूरत है क्योंकि उसको जिला स्तर से भी नीचे सब एक्टिविटीज और पर्सनल को सपोर्ट करना है. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क अलॉन्ग विद सीटीईज एंड आईएएसईज इन कोऑर्डिनेशन विद द एससीईआरटीज टू अचीव क्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्कूल सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट. और ये उम्मीद की जाती है कि जो डायट है वो सीटीई के साथ मिलकर, आईएएसई के साथ मिलकर, एससीईआरटी के कोऑर्डिनेशन में काम करेगा और सभी मतलब कि एलिमेंट्री और एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल तक को एजुकेशन की क्वालिटी को ऑल एस्पेक्ट्स में बढ़िया करने की कोशिश करेगा, टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, स्कूल का सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट करेगा. तो इतना ये कॉम्प्लेक्स और लेंदी है, इतना आसान नहीं है. फिर विजन, क्या विजन देखा गया, दूरदृष्टि क्या रही पॉलिसी मेकर्स की जब उन्होंने डायट की स्थापना की. तो द विजन फॉर द डायट्स दैट वाज आर्टिकुलेटेड इन द एनपी 1986 मॉडिफाइड इन 1992 का मतलब पीओए की बात हो रही है, वाज फॉर ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन. वो कह रहे हैं एक मजबूत संस्था बनाइए जिले लेवल पे जो कि सपोर्ट करे प्री सर्विस और इन सर्विस वर्क विद टीचर्स एट द एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल. जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी पूर्व शिक्षा पूर्व सेवा में है, वो सेवारत हैं, उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देने का काम हमको करना है विद इन ए मल्टी लेवल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट. नीचे ये बीआरसी सीआरसी से जुड़ा है, ऊपर एससीईआरटी सीटीई आईएएसई एनसीईआरटी न्यूपा से जुड़ा है, बहुत लिंकेजेस हैं इसके, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एजेंसी से इसका तालमेल है. किस लिए? ताकि हम पार्टिसिपेट कर पाए प्लानिंग कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में, यानी हम बढ़िया नियोजन करें, बढ़िया सामंजस्य बिठा सकें, बढ़िया तरीके से मॉनिटर कर सकें और मूल्यांकन कर सकें. टू सपोर्ट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड अचीव क्वालिटी इन एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन डायट्स वर विजुअलाइज एज अ वे to infuse this system with the following essential inputs. अब फिर यहाँ बात निकल के आई जो पिछले वीडियो में बात कर रही थी आपसे कि दो ही उद्देश्य थे NPE के पास, मेन बेसिक गोल एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्या कि हम UEE पालें और एडल्ट इलिटरेसी को हटा दें. इसीलिए देखिए डायट का विजन क्या है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे और एडल्ट और लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में क्वालिटी को अचीव करेंगे. तो हमारे पास दो एसेंशियल इनपुट थे कि प्रोविजन ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे जो शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें प्री सर्विस और इन सर्विस हम बढ़िया करेंगे, और क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल एजुकेशनल रिसर्चर्स या रिसर्चेस ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू इनरोलमेंट रिटेंशन अचीवमेंट जेंडर पैरिटी प्रोफिशिएंसी एंड ड्रॉप आउट. यानी कि इस तरीके के अनुसंधान को ये सपोर्ट करेगा राज्य स्तर और जिला स्तर पे कि हम पता कर सकेंगे नामांकन की क्या समस्या है, धारण में क्या दिक्कतें हैं, है तो कितना है कितना नहीं है, उपलब्धि का क्या स्तर है, जेंडर पैरिटी में किस लिए हो रही है, कैसे और प्रोफिशियंट बना सकते हैं और क्यों बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं. ठीक है, और क्या विजन रहा इसका कि फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्चर्स टू एनेबल प्रैक्टिसिंग टीचर्स टू एड्रेस क्लासरूम इश्यूज, एक्शन रिसर्च कर पाए कि क्यों क्लासरूम में इश्यूज हैं, बच्चे क्यों क्लास में अच्छे से नहीं हैं, अटेंडेंस क्यों नहीं है, ये सारी बातें. और प्रोवाइडिंग रिसोर्स सपोर्ट टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर बाई एक्सटेंडिंग डायट एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग करिकुलम एंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटीरियल्स टू एडल्ट लर्नर्स. अब आप एडल्ट लर्नर एजुकेशन में चले गए कि वहां भी हम रिसोर्स सपोर्ट देंगे NFE के फॉर्म में देंगे, NFE नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ताकि डायट अपना एक्सपर्टीज वहां भी शेयर कर सके करिकुलम और सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल के डेवलपमेंट में. और क्या करेंगे, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ट्रेनर मैनुअल्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स. जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर लगे हुए हैं उनके लिए भी आप ट्रेनिंग मैनुअल बनाते हैं, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे. एंड फॉर एड्रेसिंग सोशल कंसर्न्स, जितने सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं उनको एड्रेस करेंगे, जैसे क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर सेंसिटिविटी, लीडरशिप, स्कूल हेड्स के लिए मैनुअल बनाया जाएगा. और फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज को सुधारने का काम होगा. फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं यानी कि समुदाय का हम प्रतिभागिता सीख करेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. बहुत 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 काम है डायट के पास. और क्या बनाएंगे, अप्रोप्रिएट करिकुला टेक्स्ट बुक और पेडागॉजिकल इनपुट देंगे. लर्नर जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं उनके लिए भी सूटेबल स्ट्रेटजीज सजेस्ट करेंगे कि हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएं. डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट टीचर्स की मेंटरिंग करेंगे. सूटेबल एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट टू द टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स विच वुड कम्प्राइज हम कैसे एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे.
तो लोकली रेलेवेंट TLM और टीचिंग एड्स बनाने में, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, इवेलुएशन में हेल्प करेंगे, और फील्ड स्टडीज, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन फॉर टैकलिंग स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन अचीविंग गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो मतलब कि लोकल समस्याएं आ रही हैं, जो उस क्षेत्र विशेष की हैं, जिला विशेष की हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए एक्शन रिसर्चेज और फील्ड स्टडीज होंगी। तो ये है डाइट का ताना बाना। कोठारी कमीशन, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट, फिर NPE कह रहा है कि हमको बढ़िया शिक्षण चाहिए, बढ़िया आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आप शिक्षक बढ़िया बनाइए। तो एलिमेंट्री लेवल का काम डिस्ट्रिक्ट डाइट को दे दिया गया कि आप प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कीजिए और सब तरह से एक्शन रिसर्च, फील्ड वर्क, एक्सपेरिमेंटेशन करके एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन को संभालिए, ताकि हम UEE को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए ये एडल्ट एजुकेशन तक भी इसका रोल फैला हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इतना तो अभी आधा हुआ, अभी और बहुत कुछ है डाइट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। सो इतना आप जानिए, समझिए। आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक इंसेप्शन पॉइंट ऑफ डाइट। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।